स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे सागर जिले में मकरोनिया नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका के रूप में नजर आई है, क्योंकि यहां आयोजित स्वतंत्रता दिवस की एक अलग ही छटा देखने को मिली। नवनिर्वाचित परिषद ने क्षेत्र के विधायक प्रदीप लारिया के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मकरोनिया नगर पालिका ने खासी तैयारियां कर रखी थी और फिर स्वतंत्रता दिवस की अमृत बेला में 101 फीट का तिरंगा शान से लहराया गया। विधायक प्रदीप लारिया ने ध्वजारोहण किया और फिर पूरी परिषद सहित मकरोनिया क्षेत्रवासी तिरंगे के सामने नतमस्तक हुए। क्षेत्र में बने शहीद सेल्फी पॉइंट में लगी भारत माता की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। शहीद सेल्फी पॉइंट जिस स्थान पर बनाया गया है, पहले वहां शराब दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब यह स्थान देशभक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि सेल्फी पॉइंट सिर्फ एक खूबसूरती और आधुनिकता के मॉडल नहीं होना चाहिए, बल्कि सेल्फी पॉइंट ऐसे हों जहां पर देशभक्ति की झलक देखने को मिले और युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिले। आज इस अवसर पर हमारे सभी मकरोनिया नगर पालिका के अध्यक्ष जी, पूरी मकरोनिया नगर पालिका की परिषद, हमारे उपाध्यक्ष जी से है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री लता बानखेड़े जी जो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं और उनका सबका भी सुझाव इस परिषद को मिलता रहे और ये हम सब के लिए, जो चाहे वो हमारे सेल्फी पॉइंट हो, सेल्फी पॉइंट दूसरे भी बन सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि राष्ट्र प्रेम से वो स्रोत सेल्फी पॉइंट, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो हमारे महापुरुषों को जानता नहीं है, हमारा जो यूथ है वो अभी हमारी संस्कृति को नहीं जानता है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हो, इस देश की से भी जुड़ा हो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से भी जुड़ा हो, भारत माता से और हमारे महापुरुषों से जुड़ा हो, और इसलिए सेल्फी पॉइंट को केवल एक शो पीस नहीं, कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए, एक प्रकार से प्रेरणा देने के लिए दोनों स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। विकास को समर्पित तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को विधायक प्रदीप लारिया गिनाना नहीं भूले। इन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतरी के लिए समय समय पर क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों की बैठक रखी जाएगी और उसके बाद क्षेत्र के बेहतर से बेहतर विकास की परिकल्पना को साकार किया जाता रहेगा।